हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ओजूज लाइफ। आज मेरे किचन में रेसिपी के साथ साथ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर मैं आपके साथ बात करूंगी। ये राइस की रेसिपी है, राइस पराठा, जिसे हमने स्टफ्ड किए बिना ही पराठा बनाया है। बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है, बहुत ही हेल्दी होती है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर लगेगा कुक्ड राइस। ये राइस हमें ठंडा चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे व्हीट फ्लोर। 3 चम्मच जितना व्हीट फ्लोर मैंने इसमें डाला है, तकरीबन 150 ग्राम ये व्हीट फ्लोर है। अब हम इसमें डालेंगे ग्राम फ्लोर, 4 टेबलस्पून जितना ग्राम फ्लोर हम इसमें डालेंगे। इसके बाद हम डालेंगे राइस फ्लोर 2 टेबलस्पून। उसी स्पून से मैंने 2 टेबलस्पून राइस फ्लोर डाल दिया है। राइस के साथ साथ राइस फ्लोर भी डाल दिया है, और व्हीट फ्लोर और ग्राम फ्लोर। अब हम डालेंगे इसमें कुछ मसाले, हल्दी, जीरा, लाल मिर्च पाउडर, आपके हिसाब से आप डाल सकते हैं। अगर आपको बहुत तीखा होना तो आप लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा डाल सकते हैं, गरम मसाला, स्वादानुसार नमक और जिंजर गार्लिक का पेस्ट भी हम इसमें डालेंगे। आप चाहे तो दरदरा कूट कर भी इसमें डाल सकते हैं। लहसुन इसमें दरदरा कूट कर डालने से स्वाद और भी एनहांस हो जाता है। अब डालेंगे ऑनियन, एकदम फाइनली चॉप किया है मैंने ऑनियंस को, ताकि जब हम इसे शेप देते हैं पराठे का तब हमें बहुत ही आसानी हो जाए। और ये है टोमेटो, एकदम फाइनली चॉप किया है ये भी, और हरी धनिया। आप चाहे तो इसमें स्पिनेच, मेथी और भी बहुत सारे वेजीज इसमें डाल सकते हैं, जैसे कि कैरेट, कैबेज, बहुत सारे वेजीज इसमें डाल के इसे और भी हेल्दी बना सकते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप चाहे तो इसे कर्ड डाल के भी अच्छे से गूंद सकते हो, लेकिन मैंने कर्ड नहीं डाला है। थोड़ा सा पानी डाल के इसे अच्छे से गूंद लिया है। अब थोड़ा सा ऑयल हाथ को लगा के इसका एक छोटा सा पोर्शन लेके एक लोई बना लेंगे, और इस तरीके से पॉलीथीन के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, ताकि हम जब इसके ऊपर ये पराठा बनाएंगे इसे ना चिपके, बहुत ही आसानी से निकल जाता है हम जब नीचे ऑयल लगाते हैं। ऊपर ऐसा बनाते समय थोड़ा सा ऑयल लगा लीजिएगा, ताकि आपके हाथों को नहीं चिपकेगा। एकदम बारीक बनाना है इसे, अगर आप थोड़ा सा मोटा बनाओगे तो ये जल्दी कुक नहीं हो जाएगा। आप देख सक रहे हो फ्रेंड्स, मैं इसे बहुत ही पतला बनाया है। अब हम हाथ के ऊपर इसे पलटा देंगे और तवे के ऊपर डाल देंगे, और इसे दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक सेक लेंगे। तब तक हम दूसरा पराठा भी बना लेते हैं। बहुत ही आसानी से बन जाता है और बहुत झटपट सिक जाता है। हमने इसमें जो राइस डाला है, कुक्ड राइस, उसके वजह से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। छोटे बच्चे भी इसे बहुत ही मज़े लेकर खाते हैं। अगर आप इसे मीठा बनाना चाहते हो तो मीठा भी बना सकते हैं। राइस, कुक्ड राइस के साथ आप व्हीट फ्लोर और राइस फ्लोर डाल सकते हैं, और उसमें थोड़ी सी जागरी, नहीं तो आप शुगर भी डाल सकते हैं। अच्छे से गूंद के इस तरीके से स्वीट पराठा भी बना सकते हैं। एक तरफ से सीख गया है, इसे पलट दिया है मैंने। आप देख सकते हैं कलर बहुत ही अच्छा आया है। पराठा हो और घी ना हो चलेगा? नहीं ना, तो इसीलिए हम इसे घी लगाएंगे और इसे और भी हेल्दी बनाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना सके। बच्चों को घी खिलाना ही चाहिए, उनके बोन्स स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें घी बच्चों को देना ही चाहिए। इस तरीके से दोनों साइड से घी लगा लिया है, और इसे अच्छे तरीके से मैंने इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक गूंद लिया है। बहुत ही सुपर्ब कलर दिख रहा है फ्रेंड्स, आपको मैं नज़दीक से बताती हूँ। तवा के ऊपर रोशनी आती है, उसके वजह से परफेक्ट कलर मालूम नहीं पड़ता।
ये देखिए बहुत ही परफेक्ट कलर आया है, एकदम गोल्डन ब्राउन, ऊपर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। पूरे पराठा एकदम सुपर बन गए हैं। अब हम इसे पिकल्स के साथ टेस्ट करेंगे, आप चाहे तो कर्ड के साथ भी खा सकते हैं। देखिए इसका टेक्सचर कितना परफेक्ट आ गया ना, एक दिखने में भी बहुत सुंदर दिख रहे हैं और हाथ में लेने के बाद तो ऐसा लग रहा है कि मानो ये हाथ में लिया है क्या नहीं है, इतना वेटलेस है, बहुत ही सॉफ्ट है और टेस्ट में तो बहुत ही लाजवाब हो गए हैं। सुपर फ्रेंड्स, आप इसे एक बार जरूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको आज की रेसिपी कैसी लगी। अब हम बात करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर, स्मॉल चाइल्ड्स। सबके घर में छोटे बच्चे तो होते ही, छोटे बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं और जब से वो स्कूल जाना स्टार्ट करते हैं उनके माइंड के ऊपर एक बर्डन सा आ जाता है कि हमें इतना पढ़ना है, हमें इतना लिखना है, तो उनके माइंड में वही रहता है। उनके माइंड के ऊपर अगर स्ट्रेस आ गया तो उन्हें ना जाने प्रेजेंट में हो या फ्यूचर में कौन कौन सी बीमारी के साथ लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आज ही हम हमारे बच्चों के साथ बहुत ही केयरफुली रहते हैं। तो कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताती हूँ फ्रेंड्स। बच्चों की नींद पूरी होने दीजिए। दूसरा, सुबह जब वो स्कूल में जाते हैं तब उन्हें खाली पेट ना भेजिए। थर्ड पॉइंट, स्कूल के बैग हेवी ना रखिए, जो यूजफुल बुक्स होते हैं वही दीजिए। फोर्थ पॉइंट, जब बच्चे स्कूल से घर को आते हैं तभी उन्हें पढ़ाई करने के लिए ना बिठाए, थोड़ा सा खेलने दीजिए और उसके बाद पढ़ाई करने दीजिए। फिफ्थ पॉइंट, छोटे बच्चों को हमें बासी फूड नहीं देना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, स्कूल में से घर में आने के बाद ही तुरंत उन्हें खाने को ना दीजिए, उन्हें थोड़ा घर के एटमॉस्फेयर में मिक्स होने दीजिए, उसके बाद ही खाना पूछिए। सेवन पॉइंट, जब बच्चे स्कूल में से घर को आते हैं थोड़ा देर उन्हें खेलने दीजिए, उसके बाद ही होमवर्क दीजिए। जब हम ये सब करते हैं तब बच्चों को लाड़ या प्यार से हैंडल करना चाहिए, लेकिन वहाँ पे अति लाड़ या प्यार नहीं करना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट, बौद्धिक विकास के साथ साथ उनका शारीरिक विकास होना भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, उसके लिए उन्हें खेलना जरूरी है। टेंथ और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, उन्हें घर का ही खाना खिलाइए। उनको बाहर का खाना या जंक फूड या ऑयली फूड की आदत मत लगाइए, तो बच्चों को उनका बचपन अच्छी तरीके से जीने दीजिए, क्योंकि बचपन बाद में नहीं आने वाला। हम जब छोटे थे कैसे हम खेलते थे कूदते थे, वैसे आज के बच्चे नहीं हैं। तो फ्रेंड्स, आपको मेरी बातें सही लगी या नहीं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बच्चों के ऊपर जो स्ट्रेस आता है खेल कूद के वजह से, वो स्ट्रेस चला जाएगा और वो फ्रेश हो जाएंगे। तो आज की रेसिपी राइस पराठा विदाउट स्टफिंग और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।